हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस स्पार्क और मैं जीएस एक्सपर्ट शशि भूषण सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय लगातार एग्जाम आप लोगों के सामने हैं और इसीलिए मैंने टारगेट किया हुआ है जीएस का एक पार्टिकुलर चैप्टर जिसे कहा जाता है प्लांट मार्फोलॉजी, और इसके अंतर्गत मेरा आज जो टॉपिक है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जड़। दोस्तों, अगर एक बार आपने इसको पढ़ लिया और अगर आप वन डे का कोई भी कंपटीशन या एग्जाम देते हैं तो यहाँ से 100% आपको प्रश्न अगर आएगा तो गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट किया जाए दोस्तों। तो जैसा प्लांट मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्लांट मार्फोलॉजी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, मतलब हम लोग प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट के बारे में। अगर दोस्तों प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट मतलब पौधे। पौधे में क्या क्या होगा, जड़, तना ना, उसके बाद पत्ती, फूल, फल। कितनी चीज़ें होती हैं, पांच चीज़ें होती हैं। तो घुमा फिरा के अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा ना। तो इसके बारे में इसी का एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटा, 2 या 3 दिन का होगा, जल्दी से ख़त्म कर दूंगा ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा, यहाँ पे सबसे पहली बात होगी जड़ ना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, जड़। चलिए स्टार्ट करते हैं जड़। जड़ को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, रूट ना मेरे भाई। रूट का मतलब होता है जड़। तो आज जड़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जड़ साधारणतः 2 प्रकार की होती है, पौधे को आधार प्रदान करने वाली संरचना, मतलब जो जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाके पौधे को आधार प्रदान करती है और जो जमीन से खनिज लवण यानी जो मिनरल होता है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाने का कार्य कौन करती है, जड़ यानी रूट। अगर बात किया जाए तो रूट 2 तरह की होती है। कितने तरह की, 2। एक को क्या कहा जाता है, मूसला जड़, और एक को कहा जाता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का मतलब होता है टैप रूट ना। इंग्लिश भी बता रहा हूँ, हिंदी भी बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। मूसला जड़ का मतलब जो जमीन में काफ़ी गहराई तक जाती है उसे दोस्तों हम लोग किस नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है मूसला जड़। देखो अगर आप लोग यहाँ पे गौर कर रहे हो तो ये काफ़ी गहराई तक गई हुई है ना, इसमें ये फैला हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जो होता है कि जमीन में काफ़ी गहराई तक नहीं जाती, ऊपर ही ऊपर बिखरी होती है। मूसला जड़ यानी टैप रूट की बात करो दोस्तों तो ये जो पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। किसमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री। आप कहोगे द्विबीजपत्री पौधे किसे कहा जाता है, दोस्तों जैसे चना होगा, मटर होगा ना, अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री। ऐसे बीज जो आसानी से ना, जो आसानी से मतलब हल्के से 2 भागों में विभाजित हो जाए, ये 2 दलों में विभक्त हो जाए, आपस में ये सिर्फ हल्के से चिपके होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, द्विबीजपत्री। जैसे भाई चना, मटर, सरसों ना, चना हो गया, मटर हो गया, इन सब में अगर देखोगे तो क्या पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। मूसला जड़ किसमें पाई जाती है, द्विबीजपत्री। सबसे एग्जाम्पल इसका अच्छा चना, चना जब आपने उखाड़ा होगा तो इसी तरह की जड़ मिली होगी। उसके बाद अपस्थानिक जड़ किसे कहा जाता है, ऐसी जड़ जो जमीन में काफ़ी गहराई पर नहीं जाती है, ऊपरी सतह पे बिखरी रहती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एकबीजपत्री। किस नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग एकबीजपत्री के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी जड़ है, अपस्थानिक जड़। कौन सी जड़ है, अपस्थानिक जड़। तो दोस्तों अभी आपने देखा मूसला जड़ काफ़ी गहराई में जाएगी या द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, यानी जिसके बीज 2 भागों में आसानी से बट जाएं। और दोस्तों ये है अपस्थानिक जड़। ये कौन सी जड़ है, अपस्थानिक जड़। ये कहाँ पाई जाती है, यह एकबीजपत्री पौधों में पाई जाएगी। कहाँ, एकबीजपत्री ना। जैसे आप कहोगे इसका एग्जाम्पल राइस हो गया, वीट हो गया यानी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे इसके आते हैं एक बीज पत्री यानी जो आसानी से विभाजित नहीं होते। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी जो जड़ होती है, ये तो हमने गहराई के आधार पे जान लिया कि 2 तरह की होती है, लेकिन अगर बात किया जाए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी जड़ों का रूपांतरण कार्य के आधार पे ना, इनका फंक्शन जो होता है, इनकी कार्य प्रणाली होती है, यह 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आता है फूड स्टोरेज। क्या आता है, फूड स्टोरेज। और दूसरा है सपोर्टिंग रूट, और तीसरा है बायोलॉजिकल फंक्शन।
फंक्शनिंग, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। बहुत गौर से देखना दोस्तों, यहां से सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला। इसे कहा जाता है फूड स्टोरेज को कहा जाता है खाद्य संग्राहक। क्या कहा जाता है? खाद्य संग्राहक ना, ये है खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खाद्य संग्राहक। मतलब कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सूर्य के प्रकाश में जो भोजन का निर्माण करती हैं, उसको अपने जड़ों में क्या करते हैं, इकट्ठा ना, उसको कलेक्ट करती रहती है, उसे इकट्ठा करती रहती हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, गाजर ना, गाजर। अब यहाँ से आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि गाजर कैसी जड़ है? तो गाजर शंक्वाकार जड़ है। गाजर कैसी जड़ होती है? शंक्वाकार, यानी कॉनिकल, कॉनिकल रूट है, शंक्वाकार। इसका शेप जो है, इसका आकार जो है गाजर का, आप देखोगे यहाँ पे एकदम नीचे जाते जाते पतला, ऊपर होता है चौकोर, और इस शेप यानी इस आकृति को कहा जाता है कॉनिकल। तो गाजर कैसी जड़ है? कॉनिकल ना। यहाँ पे आप चाहो तो एक कोड लिख लो ना, क्योंकि बार बार पूछता है, तो वहां आप लिख सकते हो कि गाजर पे शक मत करो ना, गाजर पे शक मत करो ना, गाजर पे शक मत करो। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आपको गाजर पूछेगा, आपके दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आ जाएगा शंक्वाकार जड़। कौन हो जाएगी? गाजर। कौन हो जाएगी? गाजर। उसके बाद आप देखोगे कुंभ रूपी। क्या देखोगे? कुंभ रूपी। इसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? नैपी फार्म। किस नाम से? नैपी फार्म, यानी घड़े के आकार का। किसके आकार का दोस्तों? घड़े का आकार का होता है। आप कहोगे घड़े का आकार क्या हो जाता है? सलजम मेरे भाई, सलजम ना, सलजम, चुकंदर ना, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कुंभ रूपी। किस नाम से जाना जाता है? कुंभ रूपी। यहां पे है तर्क रूपी, और इसके अंतर्गत जो आता है उसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? मूली। किस नाम से जाना जाता है? मूली। तो ये हो गया ना आपका शंक्वाकार, कुंभ रूपी और फ्यूजी फार्म। यहां पर क्या हो गया? मूली। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आपके दिमाग में आती होगी कि ये गाजर और जो आपका गाजर और मूली में अंतर क्या है। तो मेन अंतर मेरे भाई गाजर और मूली में उसके आकार को लेके है। जो मूली का आकार होता है ऊपर क्या हो जाता है? चपटा, लेकिन ना ये पतला, सॉरी एकदम पतला होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे गाजर इसी तरीके से इस शेप में होता, तो इन दोनों का आकार होता है। तो अभी मैंने आपको ये बताया खाद्य संग्राहक जड़ ना, ये सब क्या करती हैं? भोजन को स्टोर करती हैं ना, खाद्य का संग्रह करती हैं, भोजन का कलेक्शन करती हैं। उसके बाद ये आता है, इसको कहा जाता है सपोर्टिंग रूट, यानी सहारा प्रदान करने वाली जड़। कैसी जड़? सहारा। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, इसने तो भोजन अंदर किया था ना, और ये क्या करेगी? ये पौधों को सहारा प्रदान करने का जड़ कार्य करती है। जैसे बटरनेस यानी पुस्ता जड़, या राइजोफोरा होता है। राइजोफोरा मतलब जो रबड़ के पौधे होते हैं उनमें इस तरह की जड़ें पाई जाती हैं, जो काफी दूरी से रबड़ के पौधों को क्या देती हैं? सहारा, ताकि उसमें लचक बना रहे। उसके बाद दोस्तों ये है स्टिल्ट रूट, इसे कहा जाता है अवस्तंभ जड़। क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़। और ये दोस्तों कहां पाई जाती है? जो अवस्तंभ जड़ पाई जाती है मक्के में। कहां पे पाई जाती है? मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा। दोस्तों कभी भी आप मक्के के खेत में गए हो के तो देखे होंगे कि दो या तीन ना, दो तीन इंच की ऊंचाई, इस तरीके से जड़ से जमीन की ऊंचाई पे आप देखोगे तो मक्के के खेत में चारों तरफ से लगा रहता है। क्यों? बरसात में होता है मक्का। कब होता है मक्का? बरसात में होता है ना, तो नमी की वजह से जब इसमें पानी भरा होगा तो हवा चलेगी, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? गिर जाएगा। तो इस तरह की जो जड़ें पाई जाती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? मक्का में, ज्वार में, बाजरा में। तो याद रखना दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? अवस्तंभ जड़, स्टिल्ट रूट। ये सहारा प्रदान करती है। क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। तो पहली कौन सी जड़ हो गई? पुस्ता जड़ ना, बटरनेस रूट। दूसरा क्या है? अवस्तंभ जड़। अवस्तंभ जड़ कहां पाई जाती है? मक्के में। उसके बाद है प्रॉप रूट। मेरे भाई प्रॉप रूट कहां पाई जाती है? बरगद में। बरगद आप सभी लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक पवित्र पेड़ है, आसपास के हमारे मिल भी जाता है एरिया में ना, जो इसका बायोलॉजिकल नाम है फाइकस बंधा लेसिस के नाम से जाना जाता है। कभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे इस तरीके से ना, इसकी एकदम सीधी सीधी ऊपर से एकदम डायरेक्ट आती है, पिलर की तरह जमीन के अंदर धस जाती है। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए हम लोग कहते हैं स्तंभ रूट या प्रॉप।
इसको हम लोग प्रॉप रूट यानी स्तंभ रूट, स्तंभ जड़ के नाम से जाना जाता है। स्तंभ जड़ क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल सीधे आती है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही आगे बढ़ोगे देखोगे एरियल रूट। कौन सा? एरियल। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो हवा में लटकती रहती है ना, साधारणतः तो जड़ें आप कहोगे अजीब बात है, हाँ जड़ें तो साधारणतः कहाँ पाई जाती हैं, जमीन के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती है दोस्तों जो हवा में लटकती रहती हैं, जैसे आर्किड एवं एराइड। आर्किड और एराइड, आर्किड और एराइड ऐसे पौधे, इस तरीके के पौधे होते हैं, इनकी जड़ें वायु में लटकती रहती हैं और इनमें वेलामेन ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक पाया जाता है? वेलामेन। उसके बाद आप देखोगे एसी मिलिट्री रूट, और एसी मिलिट्री रूट इसे कहा जाता है श्वसन मूल जड़ के नाम से जाना जाता है। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में भरे हो पाए जाते हैं और उनमें क्लोरोफिल भरा होता है, जैसे ट्रोपा। कौन? ट्रोपा। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसमें इसके जड़ों में क्लोरोफिल भरा होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी जड़। रिस्पिरेटरी रूट जो मैनग्रोव वाले स्थानों पे उगते हैं, मैनग्रोव स्थान का मतलब दलदल वाले स्थानों पे उगते हैं, तो वहां जब जमीन के अंदर हवा नहीं जा पाती तो जड़ें हवा लेने के लिए ऊपर निकल आती हैं। इस तरीके से वहाँ की जड़ें ऊपर निकल के आती हैं और ऑक्सीजन मतलब सांस नाइट्रोजन लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं। तो ये इस तरह की जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको कहा जाता है मैनग्रोव, और वहाँ पे जो इस तरीके से जड़ आ जाते हैं ऊपर सांस लेने के लिए उसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? रिस्पिरेटरी रूट। उसके बाद आता है जनन मूल जड़। कुछ ऐसी जड़ें होती हैं कि अगर उनको एक स्थान से उखाड़ के दूसरे स्थान पर लगा दिया जाए तो उससे नए पौधे का निर्माण होता है, उसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है? एसिमिलेटरी रूट। के बाद आप उसे कहा जाता है जनन मूल जड़। क्या कहा जाता है? जनन मूल जड़ के नाम से जाना जाता है, जनन मूल जड़। फिर से देखना दोस्तों, पहला मैंने बताया एरियल रूट वायवीय जड़ जो कहां पाई जाती है, हवा में लटकी रहती है, जैसे आर्किड और एराइड। एसिमिलेटरी मतलब प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी करने वाली जड़, इसमें क्या भरा होता है? क्लोरोफिल ना, जैसे ट्रापा। रिस्पिरेटरी रूट मैंने बताया मैनग्रोव यानी जो दलदल वाले स्थान होते हैं वहां पे मैनग्रोव बन पाए जाते हैं, वह ऊपर निकल आते हैं रिस्पिरेटरी रूट, वहां पे जड़ सांस लेने के लिए ऊपर निकल आती। उसके बाद मैंने बताया रिप्रोडक्टिव रूट, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं कि उनको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक पे ले जाके गाड़ दोगे तो वहां नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं जनन मूल जड़। क्या कहा जाता है? जनन मूल जड़। उसके बाद जैसे ही आप आगे देखोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी हमारे वायुमंडल में दो तरह, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है एक पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया ना, राइजोबियम बैक्टीरिया, उसकी सहायता से कुछ जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं, जैसे मटर ना, मटर की, चना की, इसमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो कहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है? दलहनी पौधों के जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं सफ़ेद, उन्हें हम लोग के क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा महत्वपूर्ण प्रयास था मेरा आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप सभी को पता है लगातार पूछा जाता है, तो इसका मैं हट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात दोस्तों ना, अगर आप लोगों ने लास्ट तक हमारी वीडियो देखी है और अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने मित्रों और दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।